हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेक्टर स्पेस के इस लेक्चर में हम लोग बेसिस और डायमेंशन की बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस और डायमेंशन क्या होता है। तो हम डिफाइन करेंगे कि बेसिस और डायमेंशन वेक्टर स्पेस के। और भी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की सब स्पेस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिस क्या होता है बच्चों, कि इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस, VF एक वेक्टर स्पेस है। If VF is a vector space over field F, VF is a vector space over field F. VF एक वेक्टर स्पेस है over field F, मतलब जो वेक्टर्स के जो एलिमेंट है वो सब फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। नंबर दो पॉइंट, इफ S इज ए सबसेट ऑफ, S इज ए सबसेट ऑफ S is a subset of vector space V. S जो है एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ ऑल द वेक्टर्स ऑफ ये वेक्टर का सबसेट है तो जाहिर सी बात है इसके मेंबर्स ऑफ वेक्टर ही होंगे। If all the vectors of S are linearly independent, S में जितने भी vectors हैं वो linearly independent होने चाहिए। अच्छा, linearly independent के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी सेट, किसी वेक्टर के सेट में अगर 10 वेक्टर हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उतने स्केलर्स ले लें और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, मतलब पहला स्केलर इनटू पहला वेक्टर प्लस दूसरा इनटू दूसरा, सबका अगर एक वेक्टर इनटू एक स्केलर प्लस दूसरा इनटू दूसरा वेक्टर, दूसरा स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा स्केलर इनटू तीसरा वेक्टर, उन सबका सम अगर जीरो वेक्टर करें, जीरो वेक्टर के सारे एलिमेंट जीरो 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 होंगे, और अगर सारे स्केलर्स जीरो आ जाएं तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, जो जितने भी वेक्टर्स उस सेट में हैं, वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो पहली बात तो ये है, थोड़ा सा हम फिगर से भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास V है और फील्ड है, ये हमारे पास इसका एक सबसेट है, और सबसेट में हमारे पास जो वैक्टर्स होंगे, जैसे मान लीजिए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन, इस तरह के सारे वेक्टर्स हैं, तो ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर लें, वो सारे स्केलर फील्ड को बिलोंग करेंगे, पहला स्केलर इनटू पहला वेक्टर प्लस दूसरा इनटू दूसरा, उन सबका एलसी जीरो वेक्टर लिखें और सारे स्केलर जीरो होंगे, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, जिसे एलआई कहते हैं। एक चीज तो ये होनी चाहिए, ऑल द वेक्टर्स ऑफ एस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चौथी बात ये है, ऑल द वेक्टर्स ऑफ वी कैन बी रिटन एज linear combination of linear combination of vectors of set S। कहने का मतलब ये है कि V का हर वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लें, वो इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाए। अच्छा, एलसी क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए अल्फा वी को बिलोंग कर रहा है, अल्फा वी को बिलोंग कर रहा है और इतने ही स्केलर्स ले लिए जाए, ए वन ए टू ए थ्री ए एन, मान लीजिए यहां पे एन वेक्टर्स थे, तो ये अल्फा इनके एलसी के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इनके द्वारा स्पैन किया जा रहा। इसका सेंस ये है कि ये अल्फा उतने ही स्केलर ले लें
a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 an अल्फा n के फॉर्म में लिखा जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा v को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा इन सारे वेक्टर्स के एलसी के फॉर्म में लिखा जा रहा, मतलब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस an अल्फा n के फॉर्म में लिखा जा रहा है। कोई भी अगर वेक्टर हम ले लें, ऑल द वेक्टर्स ऑफ v, कोई भी वेक्टर ले लें, कोई भी वेक्टर अगर ले लें तो उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा s के मेंबर्स के। दैट इज, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, v इज इक्वल्स टू ls। मतलब ये है कि v का हर मेंबर s के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके द्वारा स्पैन किया जा रहा है, मतलब उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा रहा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर v इज इक्वल्स टू ls कहीं पे लिखा गया है, इट मींस ये है कि v का हर मेंबर s के मेंबर्स के एलसी के फॉर्म में लिखा जा रहा, या दूसरे शब्दों में v का वेक्टर s के मेंबर द्वारा स्पैन किया जा रहा। तो एक चीज तो ये है, या ऐसे समझ लें v का कोई भी वेक्टर अगर ले लें तो इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पैन करना। तो एक बात ये होगी कि vf एक वेक्टर स्पेस है, s उसका एक सबसेट है, ऑल द वेक्टर्स ऑफ s आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑल द वेक्टर्स ऑफ v, एवरी वेक्टर या कह सकते हैं v कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेट s, s के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। देन अगर इतनी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, पहला तो ये सारे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरी बात v का हर मेंबर इनके द्वारा इनके वेक्टर्स के एलसी के फॉर्म में लिखा जाए, देन s फॉर्म से बेसिस फॉर vf, s एक, अब बोलते हैं कि s एक बेसिस फॉर्म करता है v के लिए बेसिस फॉर्म करता है। इसमें जितने वेक्टर्स होते हैं जो बेसिस फॉर्म करते हैं, मतलब वो वेक्टर्स li हो और v का हर मेंबर उनके lc के फॉर्म में लिखा जाए, s सेट में जितने नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं वो v की डायमेंशन कहलाती है। द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन s, जितने भी वेक्टर्स हैं इन s, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ v, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डायमेंशन v। अगर इफ s कंटेन n वेक्टर्स, अगर s n वेक्टर कंटेन करेगा, देन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, v की डायमेंशन n होगी। अब अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जैसे कहे कि 4 है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक s कोई एक सबसेट है v का, जिसमें चार वेक्टर्स हैं, चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब उनका एलसी अगर जीरो वेक्टर लिखा जाए तो सारे स्केलर जीरो होंगे, और v का हर मेंबर उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो हो गई वो 4 हो गई। अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, इसका मीनिंग ये है कि एक s कंटेन कर रहा है यहाँ पे जो सबसेट है v का, और जिसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और v का हर वेक्टर इनके द्वारा एलसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। तो अब हमें कभी बेसिस अगर प्रूव करना है किसी सबसेट को, तो हम ये दिखा दें कि उसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनका एलसी अगर थीटा लिखें और सारे स्केलर जीरो आ जाएं, और वी का कोई भी मेंबर अगर ले लें इनके एलसी के फॉर्म में अगर लिखा जाए, तो ये आपका बेसिस फॉर्म करेगा। किसी वेक्टर स्पेस की जितनी डायमेंशन होती है वो
जितनी डायमेंशन होती है उस वो उतना सबसेट में उतने वेक्टर्स होते हैं, वो सारे एलआई होते हैं, वी का हर मेंबर उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोई भी अगर सबसेट बेसिस फॉर्म करता है तो उसके सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वी का हर मेंबर उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अब एक बात और करना चाहेंगे, एक बच्चों बात और बताता हूँ, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि एस के नंबर ऑफ वेक्टर्स फाइनाइट हों, और दूसरी बात ये वी के वी इज इक्वल टू एल एस हो जाए, मतलब वी का हर वेक्टर इनके द्वारा स्पैन किया जा सके, मतलब उनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये हमारा वी जो होता है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। और एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, अगर हम एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लें तो पॉलिनोमियल के लिए कोई भी ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी आपका एक बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, तो वो आपका इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। दूसरी बात, एक स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, जैसे V2F है, V2F, अब स्टैंडर्ड बेसिस थोड़ा देखते हैं क्या होता है। नोट करके एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, V2F इज ए वेक्टर स्पेस, if V2F is a vector space, then there exists a basis S is equals to 1, 0, 0, 1. ये basis के vectors इसमें होंगे called standard basis, ये हमारा standard basis कहलाता है। इसको epsilon 1, epsilon 2 से भी दिखा सकते हैं, even A2 से भी दिखा सकते हैं। अब आपको हम ये बताएं कि V2F का ये standard basis है कैसे। अब ये जैसे हमारा V2F था और ये इसका standard basis इसलिए है, मतलब अगर कभी V2F है तो ये बिल्कुल जान जाइए कि उसमें स्टैंडर्ड बेसिस 1001 होगा, ये इसका बेसिस जरूर होगा, दैट बेसिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। इसलिए क्योंकि अगर ये S है, इसका एक वेक्टर 10 है और 01 है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका LC लिखें और ये वेक्टर्स LI भी होंगे और इसका हर वेक्टर इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब इनके द्वारा स्पैन किया जा सकेगा। कैसे, ये एलआई भी है, जैसे मान लीजिए एक स्केलर इनटू ये वेक्टर प्लस दूसरा स्केलर इनटू ये वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर लिखें, मतलब 0 0 लिखें, तो ये ए और ए 0 ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0 0, मतलब इन वेक्टर्स का हमने एलसी लिखा तो ए और बी 0 आ गए, ये आपका एलआई हो गया। अब इसका कोई भी वेक्टर अगर हम इसका कोई भी वेक्टर अगर ए बी ले लें जो V2F को बिलोंग कर रहा है, तो इसको इनके एलसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 01। सी डी अगर ले लें V2F का वेक्टर, तो सी इंटू 10 प्लस डी इंटू 01, मतलब इनके द्वारा स्पैन किया जा रहा, मतलब वी का हर वेक्टर इनके द्वारा स्पैन किया जाएगा। और आपका ये S जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो V2F का ये हमारा एक स्टैंडर्ड बेसिस है, या कहीं पे R2 कहेगा तो R2 का भी ये स्टैंडर्ड बेसिस है रियल नंबर के लिए 1001। इसी तरह अगर V3F एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है, V3F इज ए वेक्टर स्पेस, अगर V3F एक वेक्टर स्पेस है तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वेक्टर स्पेस, तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, तो स्टैंडर्ड बेसिस जो इसका होगा, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एस इज इक्वल्स टू 100
0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास होगा, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। मतलब कहने का बच्चों ये है कि अगर V2R है या R2 है या V2F है तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस 1001 होगा, और वो इसलिए स्टैंडर्ड बेसिस इसका बेसिस होगा क्योंकि वो LI भी होगा और V का हर मेंबर उनके द्वारा LC के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसी तरह V3F का एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला रो पहला स्टैंडर्ड बेसिस, दूसरा रो दूसरा स्टैंडर्ड बेसिस, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। इसी तरह इफ VNF इज जस्ट VNF इज ए वेक्टर स्पेस, ये n टपल का एक वेक्टर स्पेस है, जाहिर सी बात है इसमें वेक्टर्स में n एलिमेंट होंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस S इज इक्वल टू, अब n है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट n है 100.0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ VNF, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि स्टैंडर्ड बेसिस भी पता चल गया, R2 है तो उसका ये एक बेसिस होगा जिस बेसिस को स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, R2 बिल्कुल कंटेन करेगा 1001 क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स LI हैं और V का हर मेंबर इनके LC के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह V3F या R3 भी कह सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड बेसिस ये होगा 1000 1000 1, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस होगा बिकॉज ये LI होगा, अगर इसका LC थीटा लिखा जाए तो सारे स्केलर जीरो होगा। इसी तरह ये अब हमारे पास एक प्रॉब्लम लेते हैं और दिखाते हैं कि वो बेसिस फॉर्म कर रहा कि नहीं कर। एक बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म द बेसिस फॉर R3, B इज इक्वल्स टू 10 -1 1 2 2 0 -3 n 2, दिखाना है कि ये बेसिस फॉर्म करता है। अब बेसिस फॉर्म करने के लिए क्या करें, हम तीन स्केलर ले लें और सबसे पहले इनका LC जीरो वेक्टर लिखें, और अगर सारे स्केलर जीरो आते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और R3 का कोई भी वेक्टर हर वेक्टर इनके LC के फॉर्म में लिखा जाए तो कहेंगे कि बेसिस फॉर्म करेगा। वैसे इसकी डायमेंशन तीन होगी, तीन वैसे भी R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अभी पहले बताया है दैट इज स्टैंडर्ड बेसिस। तो डायमेंशन ऑफ R3 अगर पूछे तो डायमेंशन ऑफ R3 3 होगा, डायमेंशन ऑफ R2 2 होगा, डायमेंशन ऑफ R4 4 होगा, क्योंकि R4 में चार स्टैंडर्ड बेसिस होंगे जो LI होंगे और R4 का हर वेक्टर उनके द्वारा उनके LC के फॉर्म में S के LC के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि B हमारे पास दिया गया है 1 0 -1 1 2 2, ये इस तरह से दिया गया है 0 -3 n 2, इतना दिया गया। अब इसको हम LI दिखाने के लिए लेट A1 A2 A3 तीन स्केलर ले लिए बिलोंग्स टू R, ये तीन स्केलर ले लिए बिलोंग्स टू R, R स्केलर्स, ये हमने स्केलर ले लिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि इनका LC जीरो वेक्टर लिखें, मतलब A1 1 0 -1 + A2 1 2 2 + A3 0 -3 n 2 इज इक्वल्स टू 0 0 0, थीटा लिखें, जीरो वेक्टर लिखें। अब यहाँ पे क्या आया, A1
इसको इसमें इनटू और कोमा जीरो कोमा माइनस ए वन प्लस ए वन कोमा टू ए टू कोमा टू ए टू टू ए टू प्लस जीरो कोमा माइनस थ्री ए थ्री कोमा टू ए थ्री इज इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो, इतना हो गया। अब यहां पे क्या आया, दैट इज ए वन, ए वन प्लस ए टू, दिस इज ए टू, ए वन प्लस ए टू जीरो, टू ए टू माइनस थ्री ए थ्री, टू ए टू माइनस थ्री ए थ्री माइनस ए वन प्लस टू ए टू प्लस टू ए थ्री इज इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो। यहां पे हमने ए वन इंटू पहला वेक्टर ये लिखा, इनको सबको एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो यहाँ पे आया ए वन प्लस ए टू, ये यहाँ पे आया टू ए टू, टू ए टू माइनस थ्री ए थ्री, और टू ए टू, और यहाँ पे आया माइनस ए वन प्लस टू ए टू प्लस टू ए थ्री इज इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो। कंपेयर किया, कंपेयर करने पे ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू जीरो है, टू ए टू माइनस थ्री ए थ्री इज इक्वल्स टू जीरो है, माइनस ए वन प्लस टू ए टू प्लस टू ए थ्री इज इक्वल्स टू जीरो है, ये इतना है। अब इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। सबसे पहले काम ये करना है कि ए वन, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री को जीरो निकालें, सॉल्व करें। और एक चीज और है, एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये भी बहुत अच्छा है कि आप इन तीनों को सॉल्व करें, ए वन ए टू ए थ्री को जीरो दिखाएं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब या फिर आप एक काम कर लो, आप यहाँ पे कोप्शन मैट्रिक्स बना लो, ये भी तरीका बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे कोप्शन मैट्रिक्स बनाओ, कोप्शन मैट्रिक्स जो होगी, कोप्शन मैट्रिक्स जो हमारी होगी, यहाँ पे आप कोप्शन मैट्रिक्स बना लो, कोप्शन मैट्रिक्स जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वन ए वन के साथ वन, ए टू के साथ वन, ए थ्री का कोएफिशिएंट है नहीं, यहाँ पे ए वन का जीरो, ए टू का टू, ए थ्री का माइनस थ्री, ये माइनस वन, ये टू, ये टू, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गए, इसको हमने ए कह दिया। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, और इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो ना आए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लीनियरली डिपेंडेंट अगर होंगे तो बेसिस नहीं फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन वहीं से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब वन वन जीरो जीरो टू थ्री माइनस वन टू टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वन, फोर माइनस सिक्स माइनस वन, दैट इज जीरो जीरो प्लस थ्री, फोर माइनस सिक्स माइनस वन जीरो प्लस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री दैट इज माइनस फाइव विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ये नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट इज वेक्टर दैट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस सेट बी के जो एलिमेंट है, या एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट बी कहते हैं, वेक्टर्स ऑफ सेट बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हम स्पैन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि ये स्पैन कैसे करेगा।
वैसे यहाँ से भी लोग लिख देते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए बेसिस फॉर्म करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस अल्फा बीटा ये फाइनाइट डायमेंशनल है, और फाइनाइट डायमेंशनल है तो अल्फा बीटा जो भी हम R3 का मेंबर लें वो इनके द्वारा स्पैन किया जाएगा। लेकिन कैसे स्पैन किया जाएगा जरा हम इसको दिखाते हैं। हम एक R3 का कोई एक मेंबर ले लेते हैं। चलिए स्पैन की प्रॉपर्टी एक और दिखाते हैं। स्पैन दिखाने के लिए फॉर स्पैन दिखाने के लिए कोई भी वेक्टर ले लें R3 का, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने एक वेक्टर ABC ले लिया जो R3 को बिलोंग कर रहा, ठीक R3 को बिलोंग कर रहा। अब ABC इज इक्वल्स टू, ये अगर स्पैन कर रहा होगा अल्फा, अल्फा R3 का हर मेंबर इनके LC के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो ABC इज इक्वल्स टू, हम तीन स्केलर ले लें, तीन स्केलर हमने λ1 λ2 λ3 ले लिया। λ1 10-1, λ2 122 122 प्लस λ3 0-3 2, ये तीन स्केलर हमने ले लिए। अब इस ABC को इनके LC के फॉर्म में लिखा और λ1 λ2 λ3 हम निकालें, वो एग्जिस्ट करें, इनका सम इसके बराबर आए, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि इनके द्वारा स्पैन किया गया होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ABC इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 वो 0 हो गया, ये 2λ2 माइनस 3λ3, तो ये रहा। माइनस λ1 प्लस 2λ2 प्लस 2λ3, तो ये रहा। λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ए आया, 2λ2 माइनस 3λ3 इज इक्वल टू बी रहा, माइनस λ1 प्लस 2λ2 2λ2 प्लस 2λ3 इज इक्वल टू सी रहा, ये इतना रहा, दिस इज सी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहां से अगर λ1 λ2 λ3 निकालें तो हमने एक काम ये किया कि यहां से λ1 की वैल्यू निकाली, इसको फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें और इसको थर्ड दे दें, ये तीन इक्वेशन हमने दे दें। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट λ1 इज इक्वल टू ए माइनस λ2। अब हमने क्या किया, λ1 की वैल्यू उठा के थर्ड में पुट की, पुटिंग λ1 इन थर्ड, ये हमारे पास ये हो गया, पुटिंग λ1 इन थर्ड। यहां पे कितना आया, माइनस λ1 की जगह ए माइनस λ2 प्लस 2λ2 प्लस 2λ3 इज इक्वल टू सी, ये रहा। λ1 की वैल्यू पुट की, माइनस ए प्लस λ2 प्लस 2λ2 2λ2 प्लस 2λ3 इज इक्वल टू सी रहा। यहाँ पे आया 3λ2 प्लस 2λ3 2λ3 इज इक्वल टू सी प्लस ए, हमारे पास इतना रहा। दिस इज 2λ3λ2 प्लस 2λ3 इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये रहा। इसको क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ दे दें, और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है दैट इज 2λ2 माइनस 3λ3 इज इक्वल टू बी है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको इसको जो है हम इक्वेशन नंबर, ये सेकंड हमारे पास थ्री, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ और सेकंड से देखिए, फोर्थ और सेकंड को सॉल्व करके λ2 और λ3 कंप्यूट कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग फोर्थ बाई सेकेंड
फोर्थ को हमने सेकेंड टू से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ को टू से, एंड सेकेंड बाई थ्री, सेकेंड को थ्री से, एंड सेपरेटिंग, और इसको सेपरेट किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फोर को जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज सिक्स लैम्डा टू, और टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिक्स लैम्डा टू, फोर लैम्डा थ्री इज इक्वल्स टू टू सी प्लस टू ए। इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिक्स लैम्डा टू माइनस नाइन लैम्डा थ्री इज इक्वल्स टू थ्री बी, हमारे पास ये रहा। इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया। अब इनको हमने सेपरेट कर लिया तो ये प्लस हो गया, इसको सेपरेट किया, दिस इज 13 लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2a माइनस 3b, हमारे पास ये रहा। दैट इज लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2a माइनस 3b अपॉन 13, हमारे पास लैम्डा 3 रहा। लैम्डा 3 की वैल्यू मिल गई, और लैम्डा 3 को उठा के सेकेंड में पुट कर दें तो लैम्डा 2 मिल जाएगा, और फर्दर हमारे पास लैम्डा 1 मिल जाएगा। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रखे और ऐड करने पे ए बी सी के इक्वल आएगा। कहने का मतलब v इज इक्वल टू एल एस, मतलब v का हर मेंबर s के मेंबर्स के एल सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये स्पैन भी करना शुरू हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाई दिया है, मतलब ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो है R3 का, ये आपका एक बेसिस फॉर्म करेगा। यहां पे ये कितना आया, लैम्डा 3 तो इतना आ गया, पुटिंग लैम्डा 3 इन 4, इसको 4 में रखा, हम 4 में रख दें, इसमें रख दें तो लैम्डा 2 मिल जाएगा, लैम्डा 2 इसमें रख दे तो लैम्डा 1 मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब जो हमारे पास ए बी सी है, जो R3 का मेंबर है, वो इनके एल सी के फॉर्म में लिखा जा रहा, मतलब इनके द्वारा स्पैन किया जा रहा। वी इज इक्वल टू कोई भी ले लें ए बी सी की जगह, सब इनको इनके एल सी के फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब ये स्पैन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, तो लैम्डा 3 को 4 में उठा के पुट कर लें तो यहाँ पे आया 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 हमारे पास 2c प्लस 2a माइनस 3b अपॉन 13 है, ये लैम्डा 3 है, इज इक्वल्स टू c प्लस a, हमारे पास इतना रहा। लैम्डा 3 की वैल्यू 2c प्लस 2a माइनस 3b अपॉन 13 इज इक्वल्स टू c प्लस a। अब यहां पे कितना आया, 3 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले गया, c प्लस a माइनस 2 बाई 13 इन ब्रैकेट 2c प्लस 2a माइनस 3b, हमारे पास ये 3 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आया 13 LCM, और यहाँ पे आया 13c प्लस 13a माइनस 4c, 13a प्लस 13c माइनस 4c माइनस 4a प्लस 6b, ये इतना। अब यहाँ पे जो आ गया दैट इज 13c माइनस 4c, पहले तो ये 9a हो गया, 9a प्लस 6b प्लस ये 9a प्लस 6b और प्लस 9c अपॉन 13, तो हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 से ये आपका ये कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, तो यहाँ पे ओवरऑल आया लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, इसको 3 से कैंसिल आउट करिए, 3a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन 13, 3 से इसको कैंसिल आउट किया, 3a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन 13, ये तो लैम्डा 2 आ गया। अब हमें लैम्डा 1 और चाहिए, लैम्डा 3 तो मिल ही गया है, लैम्डा 3 इतना मिल गया है, लैम्डा 2 हमारे पास इतना मिल गया है, अब हमें लैम्डा 1 और चाहिए। ये लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 में उठा के पुट कर दें, यहां पे उठा के पुट कर दें,
पुटिंग पुटिंग लैम्डा टू पुटिंग लैम्डा टू इन पुटिंग लैम्डा टू इन लैम्डा वन बराबर ए माइनस लैम्डा टू, या फर्स्ट में कह सकते हैं इन फर्स्ट कर ले इन फर्स्ट। यहां पे आया पहली इक्वेशन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू ए है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू की जगह थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू ए हमारे पास ये रहा, लैम्डा वन इज इक्वल टू ए माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी अपॉन थर्टीन हमारे पास ये रहा। यहाँ पे लैम्डा वन इज इक्वल टू थर्टीन ए माइनस थ्री ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी अपॉन थर्टीन ये रहा, तो लैम्डा वन इज इक्वल टू हमारे पास आया टेन ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी अपॉन थर्टीन, मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री कंप्यूट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री कंप्यूट हो सकते हैं, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू की वैल्यू ये रखी इज इक्वल टू ए ए माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी अपॉन थर्टीन, थर्टीन ए माइनस थ्री ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी अपॉन थर्टीन, टेन ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी अपॉन थर्टीन, ये लैम्डा वन आ गया। दैट इज अब यहाँ से हम कंप्यूट क्या कर सकते हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री मिल गए, दैट इज यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं दैट इज ए बी सी जो हमारे पास इस फॉर्मेट का था, ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा वन की वैल्यू दैट इज 10a माइनस 2b माइनस 3c अपॉन 13 ये रहा, 1 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास हुई 3a प्लस 3a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन 13 हमारे पास ये रहा, 1 2 2 हमारे पास ये रहा प्लस लैम्डा 3, लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास जो लैम्डा 3 था लैम्डा थ्री का वैल्यू जो हमारे पास है लैम्डा थ्री इज इक्वल टू लैम्डा थ्री की वैल्यू टू ए प्लस टू सी माइनस थ्री बी अपॉन थर्टीन, टू ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी अपॉन थर्टीन, जीरो कॉमा माइनस थ्री कॉमा ये लैम्डा थ्री की वैल्यू आ गई, टू ए प्लस टू बी माइनस 2a plus 2c minus 3b upon 13। तो अब अगर इनको अब ये देखिए ये वेक्टर्स ये वेक्टर इनके द्वारा स्पैन हो रहा, मतलब इनके LC के फॉर्म में लिखा जा रहा, अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो यही abc आएगा, मतलब दैट इज अब abc कुछ भी रखते जाए तो ये सारे आपके इनके LC के फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ v every vector of v can be lc मतलब linear combination of vector of set v that is v is equals to ls, मतलब v के मेंबर s के मेंबर के lc के फॉर्म में लिखा जा सकता है, v के मेंबर s के lc के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये स्पैन भी कर रहा और आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, दैट इज b फॉर्म से दैट इज b फॉर्म से बेसिस फॉर दैट इज B form से basis for R3. B form से basis of R3 के लिए एक basis form करेगा। अच्छा बच्चों finite dimensional vector space के जो member होते हैं R3 के या R2 के, वो जो हमारे पास B होता है या A होता है उनके द्वारा span किए ही जाते हैं, तो कुछ ऑथर्स जो है सिर्फ यहाँ पे इसका जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देते हैं,
और कह देते हैं कि चूंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, R3 के जो भी मेंबर्स होंगे, वो जो भी हमारे पास सेट है जिसको बेसिस प्रूव करना है, उसके LC के फॉर्म में लिखे ही जाएंगे। मतलब बिल्कुल नेसेसरी है कि वो उसके LC के फॉर्म में लिखे जाएंगे, मतलब वो आपका बेसिस फॉर्म करेगा ही करेगा। तो सिर्फ LI दिखा के काम कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग और लेंगे, जरा एक क्वेश्चन बच्चों, ये जरा देखते हैं कि प्रूव दैट वेक्टर्स, ये चार वेक्टर हैं, डज नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर R4। ये वेक्टर्स जो हैं, ये R4 के लिए बेसिस नहीं फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करें, इन वेक्टर्स को R, पहले इसको हम B इज इक्वल टू α1, α2, α3, α4 ले लें। इस तरह से है हमारे पास। अब इसको दिखाएं कि ये बेसिस नहीं फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले इसकी दिखाएं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हम चार स्केलर ले लें, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, चार स्केलर ले लें। और चार स्केलर जो ले लें, A1, A2, A3, A4, ये बिलोंग्स टू R, सच दैट A1 alpha 1, A1 alpha 1 प्लस A2 alpha 2 प्लस A3 alpha 3 प्लस A4 alpha 4, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने जीरो वेक्टर के इक्वल लिखा। जीरो वेक्टर मतलब यहाँ पे थीटा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं बार लगा के, जीरो वेक्टर। अब A1 alpha 1, अगर ये चारों स्केलर्स जीरो प्रूव कर देते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और एक भी स्केलर अगर जीरो नहीं होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। या दूसरा तरीका ये है सबसे अच्छा, किसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं होती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की अगर डिटरमिनेंट जीरो होती है तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर लीनियरली डिपेंडेंट ये वेक्टर होंगे तो ये बेसिस नहीं फॉर्म करेंगे। तो अब हम इसके लिए A1 alpha 1 हमारा 1 1 0 0 है, प्लस A2 alpha 2 इज 0 0 1 1, प्लस A3 and α3 इज 2 1 2 6, प्लस A4 alpha 4 की जगह हम लोग 1 0 0 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू थीटा 0 0 0 0। ये हमारे पास इतना हो। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमारे पास आया ये आया A1, यहाँ पे A1 ये जीरो हो गया, ये प्लस 2A3 प्लस 2A3 2A3 और प्लस A4, पहला सब ऐड कर लिया। दिस इज A1, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस A3 और प्लस 0, 0, दिस इज A2 प्लस 2A3 और वो 0, यहाँ पे 0, दिस इज A2 प्लस 6A3 प्लस 4A4, ये इतना आया, इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। A1 0 प्लस 2A3 प्लस A4, A1 प्लस A3 इधर है नहीं, दिस इज A2 प्लस 6A3 प्लस 4A4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब जरा इसको कंपेयर किया तो हमारे पास मिला A1 प्लस 2A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, दूसरा वाला मिला A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, थर्ड वन इज A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मिला A2 प्लस 6A3 प्लस 4A4 इज इक्वल टू 0, ये इतना। अब जरा इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी बनाते हैं, इसके कोएफिशिएंट से एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो मेरी बनी वो कुछ इस तरह की बनी, दैट इज 1, A2 वाला है नहीं 0, A3 वाला 2, A4 वाला 1, A1 वाला 1, A2 वाला 0, A3 वाला 1, A4 वाला 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 6, 4, ये हम इसको ये देते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और डिपेंडेंट अगर वेक्टर्स का सेट होगा तो बेसिस नहीं फॉर्म करेगा R4 के लिए, मतलब ये सेट ऑफ वेक्टर बेसिस नहीं फॉर्म करेंगे। हालांकि R4 का स्टैंडर्ड बेसिस तो होगा ही होगा, R4 की डायमेंशन 4 होगी होगी, और वह स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1।
लेकिन ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये बेसिस नहीं फॉर्म करेगा। अब दिखाते हैं जरा यहाँ पे क्या करें, इसका जरा डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑप्शन मैट्रिक्स का निकालना है, दैट इज 1 0, सबसे अच्छा तरीका है 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 6 4। अब इसके डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों अगर जीरो थोड़ा ज़्यादा बना लें, इसको भी जीरो बना लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन लगा दिया कि R2 tending R2 minus R1 कर लिया, R2 में से R1 को हमने सेपरेट कर लिया, R2 minus R1 कर लिया। अब यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बात ये आई, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि R2 में से R1 को हमने सेपरेट किया, एक चीज ये R2 minus R1 में से R1 को सेपरेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये पाया दैट इज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू दैट इज 1 0 2 1 0 0 1 minus 2 दैट इज -1 -1 0 1 2 0, इसमें से इसको सेपरेट के 0 0 -1 -1 0 1 6 4। यहाँ पे 0 ज्यादा है, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इस कॉलम एक्सपेंड कर लिया, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 into this close this close 0 -1 -1 1 2 0 1 6 4, इतना। अब इसमें से इसको जरा सेपरेट करके एक जीरो और बना लें, हमने C2 tending C2 minus C1 लगाया, इधर वाले तो बाकी जीरो ही हो गए आगे इसलिए नहीं किया, अब 1 into this इतना बचा, C2 में से जरा C3 को सेपरेट कर लें। अब डिटर्मिनेंट है जो मेरे पास आया दैट इज 0 0 1 1 0 2 2 -1 +1 0 2 6 -4 2 -1 0 4, ये इतना। अब इसको जरा फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर ले, तो ये आया -1 this close this close 1 2 1 2, बस इतना ही बचा 1 2 1 2, दैट इज -1 2 -2 दैट इज 0। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट A 0 आ चुका है, अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ चुका है मतलब ये जो वेक्टर्स हैं P के जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, दैट इज α1 α2 α3 इज लीनियरली, ये हमारा डिपेंडेंट हुआ। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो ये बेसिस फॉर्म करता, लेकिन ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ बिकॉज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 आ रहा, देन इट डज नॉट फॉर्म ए बेसिस, इट डू नॉट फॉर्म ए बेसिस, ये बेसिस नहीं फॉर्म करेगा फॉर R4 के लिए, ये बेसिस नहीं फॉर्म करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस वीडियो में बेसिस और डायमेंशन समझ में आया होगा, आप बेसिस किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं और आप इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।